देश के गरीबों के लिए जिस तरह से लड़ रहे हैं, मैं आपको क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। देश में बहुत कुछ हो रहा है और हमें संवैधानिक रूप से चलना है, इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं कही जा सकती, लेकिन कुल मिला जुला कर ये कहना है कि ये लड़ाई किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनने की नहीं, बल्कि इंसान बनने की लड़ाई है। और हम बारहा ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का पैगाम पहुंचाएं। दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस आपके प्रोटेस्ट को चलाने में आपका सहयोग कर रही है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मैं उनसे ये गुजारिश भी करता हूँ कि अपने दिल्ली के दोस्तों को समझाएं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं जो कहीं से भी लोकतंत्र के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है, बाद में किसी यूनिवर्सिटी में उनके भी बच्चे पढ़ेंगे, उन्हीं के लिए ये समाज बनाया जा रहा है, उनके बच्चों के लिए ही ये समाज बनाया जा रहा है जहां पर किसी तरह का भेदभाव ना हो, किसी तरह की ऊंच नीच ना हो। लेकिन जब पुलिस जनता, आम जनता की मदद नहीं करती तो आम जनता कुछ नहीं कर सकती। और दिल्ली में पत्थरबाज जब तक पत्थर कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तब तक पुलिस बैठकर ये देखती है और ये कहती है कि अभी हमें आदेश नहीं है कुछ करने का। और जब पत्थर चलने लगते हैं तब ये प्रोटेस्टर्स पर आतंक फैलाते हैं, मारते हैं, महिलाओं को कहते हैं कि यहां से हट जाओ, न कि उन पत्थरबाजों को जो वहां पर आकर आतंक फैला रहे हैं। दोस्तों, दंगाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ दंगाई होता है। बहुत अच्छे सर। और जो दंगाई होता है उसकी कोई जात नहीं होती, वो कुछ भी कर सकता है किसी भी एक रीजन से। मसलन अगर आप समझे कि किसी एक इंसान के पास इतनी ताकत है कि उसके पास इतने पैसे हैं और उसके पास 1000 लोग हैं, उसने 500 लोगों से कहा कि तू हिंदू बन जा, 500 लोगों से कहा कि तू मुसलमान बन जा, 500 लोगों से कहा कि जब तुम किसी का घर जलाना तो जय श्री राम कहना, 500 लोगों से कहा कि जब तुम किसी का घर जलाना तो अल्लाह अकबर बोलना, कोई नहीं जान पाएगा कि कौन मुसलमान था और कौन हिंदू। और यही हमारे देश के हुक्मरान आज तक करते आए। जब भी दंगा हुआ, हम में से तमाम लोग सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम हैं और हम अपने धर्म पर गर्व भी करते हैं, तमाम लोग हैं जो अपने धर्म को श्रेष्ठ भी बताएंगे, लेकिन हम में से कोई भी अपना धर्म श्रेष्ठ बताने के लिए किसी का कत्ल नहीं कर सकता। और यही हमारे धर्म की सबसे खूबसूरत बात है, हमारे धर्म की। हमारे भारत कई गुलदाम से सजा हुआ गुलदस्ता है जिसमें तमाम धर्म, तमाम जातियां, तमाम मजहब रहते हैं। देखना यह है कि हमें किस तरह से बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और ये जिसको ये NRC, CAA, NPR जिसको सरकार अब तक स्पष्ट नहीं कर पाई, हम जनता, हम प्रोटेस्टर्स से पूछा जाता है कि क्या आप इसका मतलब जानते हैं साहब, जब अमित शाह जी ही नहीं जानते तो हम कैसे जानेंगे। वो खुद ही नहीं बता पाते हमें कि आखिर वो चाहते क्या है। कभी एक बयान, फिर दूसरा बयान, फिर तीसरा बयान, और तीनों एकदम अलग अलग। तो हमें समझना होगा कि हमें अपने देश को कैसे बचाना है। और दूसरी बात ये कि ये लड़ाई सिर्फ ये CAA या NRC को हटाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अपने संवैधानिक अधिकार को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक लड़नी पड़ेगी आपको जब तक हर तरह से हमारा संविधान सुरक्षित ना हो जाए। आप आज यहां बैठे हैं, बहुत दिनों बाद जनता जागरूक हुई है, जनता कुछ सोच रही है, एक आम डिबेट हमारे बीच में उभर कर आया है कि हम अपने संविधान को कैसे बचाएं। और आज तक हम ऐसा नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा यह हुआ कि कोई आया, अपने आप को प्रधान सेवक कहा,
चौकीदार कहा, आप जनता के इमोशन से खेला और वहां बैठकर अब संविधान के साथ खेल रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, यह हमें निश्चित करना पड़ेगा। और जितने भी हुक्मरान हैं, ये लोकतंत्र है साहब, और जनता अगर किसी को बिठाती है किसी एक पद पर तो जनता उसे उतार भी सकती है और उतार लेगी अगर आप अपने काम पर खड़े नहीं उतरेंगे। तो मैं इस देश में, दिल्ली में जो हो रहा है, पुलिस की नाकामी बार बार सामने आ रही है, लेकिन उसको किसी भी ना किसी तरह से पुलिस की कामयाबी बताई जा रही है और मामले को टालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी हमें अपने अंदर सद्भाव रखकर ये लड़ाई लड़नी होगी। और ये लड़ाई जीतने के लिए हमें किसी गोला बारूद हथियार की कोई जरूरत नहीं। हमारी आवाज काफी है, हमारा हमारे हाथ काफी है। जब हम हाथ उठाकर नारा लगाते हैं तो डर लगता है सत्ता को, और वही हार वही होती है उनकी। और अगर हम यहाँ लड़ रहे हैं तो हमें तब तक हाथ उठाकर नारे लगाने हैं, तब तक इस जनता के कान में, तब तक सत्ता के कान में चिल्लाते रहना है जब तक वह हमारी आवाज सुन न ले, उसे गांठ न बांध ले कि आप इस देश के सेवक हैं। आप सेवक कहकर मालिक नहीं बन सकते। इस देश का मालिक यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और जब आप जनता से बिना पूछे कोई काम करेंगे तो आप जहां बैठे हैं वहां से आपको उतार लिया जाएगा। और किसी, वो प्रधानमंत्री मोदी की गद्दी नहीं है, वो प्रधानमंत्री ये हम मैं हूं, आप हैं, यहाँ पे बैठी सारी जनता है, यहाँ के हिंदुस्तान के सारे लोग प्रधानमंत्री हैं। कोई एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता इस देश का। और ये बात हमें लगातार अपने देश में एहसास करवानी होगी। मैं सोच रहा हूं कि कुछ गीत भी आपको सुना दूं। मेरा गला पिछले कई दिनों से मैं बोल रहा हूं तो खराब है, इसलिए मेरी आवाज आपको बहुत अच्छी नहीं लगेगी, जिसकी माफी मैं आपसे पहले ही मांगता हूं। बाकी मैं कुछ बातें, एक शायर, एक कवि था गोरख पांडे, जो जेएनयू का छात्र था, और इन्हीं समस्याओं से जूझते जूझते, लड़ते लड़ते, सोचते सोचते उसने अपने आप को डिप्रेशन में डाला और फांसी लगा दी। वो कहता था, उसकी एक कविता है कि तमाम हजार साल पुराना है उनका गुस्सा, ये जो लोग, ये जनता, महिलाएं, हजार साल पुराना है उनका गुस्सा, हजार साल पुरानी है उनकी नफरत, मैं तो बस उनके बिखरे हुए शब्दों को लय और तुक के साथ लौटा रहा हूं, और तुम्हें डर है कि आग भड़का रहा हूं। यह गोरख पांडे की जबान है, जो इस देश में हर एक युवा की जबान होनी चाहिए, इस देश के हर उस तबके की जबान होनी चाहिए जो इस देश में सुधार चाहता है। मैं इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की मानता हूं। अगर महिलाएं ना होती तो यह आंदोलन नहीं चल पाता, क्योंकि जिस तरह से इस आंदोलन को सबसे पहले यूनिवर्सिटीज में दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि ये फांसीवाद की प्रकृति है कि जब भी फांसीवाद किसी भी देश में पनपने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो एकेडमिया को, यूनिवर्सिटीज को ध्वस्त करता है। और वही कोशिश भी की गई, कि यूनिवर्सिटीज से आवाजें ना निकले, लेकिन जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और यही हुआ। आपने जेएनयू को दबाने की कोशिश की, जामिया उभर कर आया, जामिया को दबाने की कोशिश की, अलीगढ़ उभर कर आया, अलीगढ़ को दबाने की कोशिश की, हैदराबाद उभर कर आया, और जितनी यूनिवर्सिटीज को आप दबाने की कोशिश करेंगे तमाम लोग निकल कर आएंगे, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ते हैं वहां, वो जानते हैं कि मेरे बच्चे सही हैं। आपके देशद्रोही कहने से वो देशद्रोही नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें वैसे नहीं पाला है, उन्हें हमने देश की संस्कृति सिखाई है, इसलिए वे अपने देश की संस्कृति बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप कितना भी कह लें किसी को देशद्रोही, अमित शाह जी से
एक आरटीआई डालकर एक सवाल पूछा गया कि साहब ये टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, और होम मिनिस्ट्री से जवाब आया कि इस तरह का कोई गैंग इंडिया में काम नहीं करता, ये सिर्फ जुमला है। और आप जुमले पर अगर जुमले से जनता का विश्वास जीत सकते हैं तो आपका जुमला ही आपको हरा देगा और आप नीचे भी गिर जाएंगे। अच्छे दिन का सौदा प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़ा महंगा पड़ा, क्योंकि अब ये पक्का हो गया कि अच्छे दिन तब आएंगे जब मोदी यहां से जाएंगे, मोदी यहां की विचारधारा यहां से जाएगी। और हमें मोदी जी से पर्सनल कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन मोदी जी अपने मनुवादी, ब्राह्मणवादी और हिंदूवादी विचारधारा को त्याग कर एक इंसान बनकर देश के किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के घर जाएंगे, हम उन्हें बैठाकर चाय पिलाएंगे। लेकिन जब तक आप इस तरह की विचारधारा के अधीन हैं, हम आपका विरोध करते हुए इनकलाब का नारा लगाएंगे, मुट्ठी तानेंगे, और हमें आपसे लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं। हमारी आवाज काफी है, हमारी बातें काफी है, आपको इसी से डर लगता है और आप डरते डरते हार जाएंगे, हमारा यही विश्वास है और इसी विश्वास से हम लड़ रहे हैं। मैं इस देश की महिलाओं को बारहा सलाम करता हूं। शाहीन बाग में एक महिला से पूछा गया कि आप यहां अपने दुधमुहे बच्चे के साथ क्यों बैठी हैं? उस महिला ने कहा कि मैं यहां इसलिए बैठी हूं कि अगर आज ये बंटवारा, आज ये जन विरोधी कानून अगर लागू हो गया तो मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो मैं कम से कम ये कह पाऊंगी कि मैंने कोशिश की थी, और अगर नहीं लागू हुआ तो मैं अपने बच्चे को हौसला दे पाऊंगी कि इस देश में किसी भी तरह के देश विरोधी कानून कभी भी ना लगे, और जब भी लगे तो अपना हाथ उठाकर वहां खड़ा हो और ये लड़ाई लड़े। इसलिए मैं उस बच्चे को लेकर बैठी हूं। मेरा बच्चा, अगर इस बच्चे को याद रह गया कि इसके बचपन में इसकी माँ ने इसको क्या दिखाया था, तो जवानी में ये इनकलाब लाएगा। इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, और मैं ऐसी तमाम महिलाओं को, देश की तमाम महिलाओं को सलाम करता हूँ। मैंने जेएनयू और जामिया की महिलाओं को भी देखा, और मैंने ये महसूस किया कि जिस तरह से हम छात्रों को देश विद्रोही, आतंकवादी, नक्सली और तमाम तरीके के आभूषणों से नवाजा जाता है, अगर ये महिलाएं ना आगे खड़ी हो जाएं तो ये हमें जान से मार देंगे। ये महिलाएं बार बार खड़ी हो जाती हैं ये सोचकर कि तुम इन्हें मारोगे तो मार डालोगे, हम खड़े होते हैं हमें मारोगे तो कम से कम कम मारोगे, लेकिन इन्हें कौन बताए, ये उन्हें भी उतना ही मारते हैं जितना हमें मारते हैं, जो हमारे देश के लिए शर्म की बात है। हमारी आज भी इस देश के आजादी के इतने दिन बाद भी अगर हमारे आसपास पुलिस दिखती है तो हमें डर लगने लगता है, और कहा जाता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन जब पुलिस अपने कामों से विमुख होती है तो हमें डर लगता है पुलिस से, और हम आज भी पुलिस तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए पुलिस से भी आग्रह है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि आप लाठी डंडों से किसी गिरते हुए इंसान को इतना मारे कि वो उठ ना पाए, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप भीड़ को कंट्रोल करें, सब कुछ व्यवस्थित करें, न कि उसे बर्बाद कर दें। और दिल्ली पुलिस बारहा बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप जिसके इशारे पर कर रहे हैं आप अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि जिस संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है आपका बच्चा उसी संविधान के अधीन है, आपसे सवाल करेगा बड़ा होकर कि आपने ये क्या किया था, और तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप लाठियों से हमें मार रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और हम फिर भी लड़ेंगे और जीतेंगे, यही हमारी लड़ाई का उद्देश्य है और यही हमारी लड़ाई का अंत है। हमने शुरू किया है तो अंत करेंगे, और जीत कर अंत करेंगे, वो भी बिना किसी हथियार के, बिना किसी गोला बारूद के। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं, हम सिर्फ शब्दों से जीत सकते हैं, और यही विश्वास के साथ मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं आपको।
आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.